हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में एनसीईआरटी के बुक में दिए गए एग्जांपल 5.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में स्टडी किया था। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वह फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट करता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, यह स्प्रिंग कॉइल है और हम अपने हाथ से इसको प्रेस करते हैं। जब स्प्रिंग कॉइल को हम हाथ से प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग कॉइल कंप्रेस हो जाएगा और हमने तो हाथ से स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो उसके बदले में क्या स्प्रिंग ने हमारे हाथ पर फोर्स लगाया। तो हम जब स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो हमें महसूस होता है कि स्प्रिंग भी हमारे हाथ पर फोर्स लगा रहा है और वो उसका हम लोग अगर हम बहुत अधिक जोर से फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पर तो हमारे हाथ में दर्द भी होने लगेगा। तो यानी यह दर्द हमारे हाथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि यह स्प्रिंग भी हमारे हाथ पर फोर्स लगा रहा है। इफ यू प्रेस ए कॉइल्ड स्प्रिंग द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड। अगर आप अपने हाथ से स्प्रिंग कॉइल को फोर्स लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग कॉइल कंप्रेस हो जाएगा। द कंप्रेस स्प्रिंग इन टर्न एग्जर्ट ए फोर्स ऑन योर हैंड एंड यू कैन फील इट। और स्प्रिंग भी आपके हाथ पर फोर्स लगाएगा और वह फोर्स को हम लोग महसूस करते हैं। तो स्प्रिंग और हाथ वाले केस में हम लोग ने देखा कि दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, स्प्रिंग और हाथ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये अर्थ है और ये बॉल है, अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर बॉल है और इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो इसमें भी फोर्स लग रहा है। देखिए, जब बॉल ऊपर था तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह अर्थ के सरफेस पर आ गिरा। द अर्थ पुल्स ए बॉल डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे आ गया। डज द बॉल एग्जर्ट ए फोर्स ऑन द अर्थ। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या बॉल ने भी अर्थ पर फोर्स लगाया। हम लोगों ने स्प्रिंग और हाथ वाले केस में देखा कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो इस केस में अर्थ और बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो फिर भी क्या अर्थ जो बॉल है अर्थ पर फोर्स लगा रहा है क्या? यस, द बॉल डज एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ। जो बॉल है वह भी जितना अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया उसके इक्वल ही फोर्स बॉल ने भी अर्थ पर लगाया। We do not notice it since the earth is very massive and the effect of a small force on its motion is negligible. तो अर्थ के हम लोगों ने बॉल के तो मोशन को देख लिया, बॉल यहाँ से नीचे आया तो यह इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन अर्थ को भी अगर बॉल ने अर्थ पर फोर्स लगाया तो अर्थ को भी बॉल की तरफ जाना चाहिए, मूव करना चाहिए तो वह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अर्थ का जो मास है वह बहुत अधिक है कंपेयर टू बॉल के मास के अधिक, कंपेयर टू बॉल के मास वह बहुत ही अधिक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूटन के सेकंड लॉ, फोर्स क्या होता है, इक्वल टू एम ए। अगर एम अधिक होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जितना अधिक एम होगा एक्सेलरेशन उतना अधिक कम होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम इसको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे, तो मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। जितना अधिक मास होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। तो अर्थ का मास अधिक है, बहुत अधिक है, तो उसके कारण जो एक अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा वह बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसके कारण हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो इसे क्या कंक्लूजन निकलता है कि दोनों ने अर्थ ने भी फोर्स लगाया बॉल पर और बॉल ने भी अर्थ पर फोर्स लगाया और दोनों फोर्स इक्वल लगाया। थस अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। और जो फोर्स है नेचर में सिंगल अकर नहीं करता है, क्या होगा जब भी फोर्स होगा वह पेयर में होगा। फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। जब दो बॉडी रहेंगे तभी फोर्स लगेगा, एक बॉडी अपने बॉडी पर फोर्स नहीं लगा सकता है।
फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, फर्दर द म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। और जो म्यूचुअल फोर्सेस होगा टू बॉडीज के बीच में वह इक्वल और अपोजिट होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड होगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन उन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वह अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन क्या है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है बोलता है कि एवरी एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होगा। तो यहां पर एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक्शन और रिएक्शन के फोर्स ही है। यहां पर जो एक्शन की बात कर रहे हैं और यहां पर रिएक्शन की बात हो रहा है, तो यह दोनों फोर्स ही है, यानी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसका जो जो रिएक्शन होगा यानी दूसरा बॉडी भी उस पर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फोर्स क्या है, हमेशा पेयर में होंगे। फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाई ए। यदि फोर्स दो बॉडी पर लग रहा है, मान ले एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो जो फोर्स बॉडी ए बी पर लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स बॉडी बी ए पर लगाएगा। जैसे ये बॉल और अर्थ है, मानते हैं अर्थ बॉल को बॉडी ए मान लेते हैं और जो अर्थ है उसको बॉडी बी, तो जो फोर्स अर्थ यानी बॉडी बी ए पर लगा रहा है तो इसको हम लिखेंगे एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी अर्थ ने जो बॉल पर यानी बॉडी ए पर जो फोर्स लगाया है उसको लिखेंगे एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। उसी तरह एफ बी क्या हो गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी अर्थ पर जो बॉल फोर्स लगाएगा उसको लिखेंगे एफ बी ए। और देखिए इन दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइज इन थर्ड लॉ। जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसमें कॉज इफेक्ट नहीं है, कॉज इफेक्ट यानी एक ने स्टार्ट किया उसके कारण दूसरा हुआ, यानी जैसे यहां पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एक्शन, यानी किसी ने एक बॉडी ने एक्शन किया उसके कारण दूसरा बॉडी रिएक्शन किया, ऐसा नहीं होता है, दोनों साथ साथ होता है। जैसे एक बॉडी फोर्स लगाया तो दूसरा बॉडी भी उसी समय उस बॉडी पर फोर्स लगाएगा। द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड द फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट, एक ही साथ दोनों फोर्स लगेंगे, ऐसा नहीं कि पहला फोर्स लगाया उसके बाद दूसरा बॉडी सोचा कि अब हम उसको फोर्स लगाते हैं, ऐसा नहीं, जैसे ही फोर्स लगा उस सेम टाइम पर दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, यानी हम एक्शन को रिएक्शन भी बोल सकते हैं और रिएक्शन को एक्शन भी बोल सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी नॉट ऑन द सेम बॉडी, कंसिडर्ड ए पेयर ऑफ बॉडी ए एंड बी। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है एक सेम बॉडी पर नहीं लगते हैं और एक दोनों ये डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, जैसे अर्थ और बॉल के केस में हम लोग देखा कि एक फोर्स अर्थ पर लग रहा है तो दूसरा फोर्स बॉल पर लग रहा है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फोर्स ऑन ए, ए पर जो फोर्स लगेगा बी के कारण वह इक्वल होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी अर्थ पर जो फोर्स लगेगा बॉल के कारण उसके इक्वल होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर इस डायरेक्शन में अर्थ फोर्स लगा रही है बॉल पर तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल अर्थ पर फोर्स लगाएगा, और लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। इफ यू आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ एनी वन बॉडी ए और बी, ओनली वन ऑफ द टू फोर्सेस इज रिलेवेंट। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो हमें दोनों फोर्स को कंसिडर नहीं करना है, एक ही फोर्स को कंसिडर करना है। तो जैसे ये बॉल नीचे आ रहा है तो इस पर जो फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ ए बी लग रहा है, तो हमें एफ ए बी फोर्स को ही कंसिडर करना है, दोनों फोर्स को कंसिडर नहीं करना है। अगर दोनों फोर्स को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, एक दोनों का तो मैग्नीट्यूड
ये सेम है, इक्वल है, और डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। हाउएवर इफ यू आर कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज ए होल, अगर हम मान ले अर्थ और बॉल को एक सिस्टम मान ले, एक सिस्टम मान ले अर्थ और बॉल को एक पूरा सिस्टम मान ले, तो क्या होगा, तब अगर देखते हैं तब हमें क्या होगा, इन दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे, एफ ए बी एंड एफ बी ए आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम ए एंड बी। अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लें तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी और एफ बी ए क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्सेस हो जाएगा। और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, दे ऐड अप टू गिव ए नल फोर्स, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इंटरनल फोर्सेस इन ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल थस कैंसल अवे इन पेयर्स, तो इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं बॉडी में या सिस्टम में, वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक अब आइए हम लोग एग्जाम्पल 5.5 को सॉल्व करते हैं। यह एग्जाम्पल देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल ए स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विथ द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। दो बॉल है, एक रिजिड वॉल है, ये वॉल है, और इस पर दो बॉल से हम सेम स्पीड से स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको भी सेम स्पीड, यहाँ पर यू दिया हुआ है स्पीड और यहाँ पर भी यू दिया हुआ है, इस पर स्ट्राइक करते हैं, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, और जब यह दीवार से टकराता है तो रिफ्लेक्ट होकर सेम स्पीड से, यानी यू से गया तो यू से ही वापस आ रहा है, यहाँ भी यू से जा रहा है और टकराने के बाद यू स्पीड से वापस आ रहा है। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो हमें मालूम करना है कि जो बॉल है वो यह वॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दोनों केस में बताना है। इस केस में भी बताना है, जो बॉल यहां से इस पर टकराया तो बॉल ने वॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहाँ पर भी बताना है कि जब बॉल यहाँ से इस डायरेक्शन में आकर टकराया ये वॉल पर, तो वॉल पर किस डायरेक्शन में बॉल ने फोर्स लगाया, ये हमें मालूम करना है। और दूसरा, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल, और हमें जो रेशियो निकालना है किसका, इम्पल्स का, इस केस में जो इम्पल्स होगा उसका और इस केस में जो इम्पल्स होगा उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पार्ट वन को देखते हैं। देखिए ये बॉल है और यह जाके टकरा रही है दीवार से, और टकराने के बाद यह वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे और अपर डायरेक्शन को वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। लेट यू द स्पीड ऑफ द बॉल बिफोर एंड आफ्टर कोलूजन विथ द वॉल, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। जब बॉल टकराती है दीवार से तो उसका स्पीड यू है, और टकराने के बाद वापस जब आती है उसको भी स्पीड यू है, और मास हमें बॉल का दिया गया है। तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब बॉल टकराती है दीवार से तो वह बहुत कम टाइम के लिए दोनों कांटेक्ट में रहता है, बहुत कम टाइम के लिए, जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा होता है, तो हम उस केस में फोर्स को निकालना मुश्किल होता है। आप इम्पल्स का एक वीडियो है फिजिक्स नामा पर, वो भी देख सकते हैं, तो ही उसमें इम्पल्स को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमें जहां पर टाइम इंटरवल कम होता है, अगर दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है तो अगर टाइम इंटरवल कम है तो हम वहां पर क्या करते हैं कि इम्पल्स को निकाल लेते हैं। तो इम्पल्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, तो अगर हम इम्पल्स का डायरेक्शन मालूम कर लें तो हम फोर्स का डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम इम्पल्स निकालते हैं, इम्पल्स किस डायरेक्शन में है, ये बॉल बॉल पर जो फोर्स लगाया है ये वाल ने, उसका पहले हम इम्पल्स निकालेंगे। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो हम चेंज इन मोमेंटम को निकाल लेते हैं, बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा टकराने के पहले और टकराने के बाद का, तो उसको हम निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, तो एक्स से एक्सिस में जो मोमेंटम है उसको हम पी एक्स लिखते हैं।
पी एक्स देखिए, हम इस डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर इस डायरेक्शन में रहेगा राइट टू लेफ्ट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस के ऑपोजिट में रहेगा तो उसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। तो देखिए मोमेंटम जो होता है मास और जो वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम यू, एम मास हो गया बॉल का और यू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये हो गया एम यू। फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन पी एक्स फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर टकराने के बाद यह इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है तो उस केस में जो मोमेंटम होगा यह क्या हो जाएगा, माइनस एम यू, क्योंकि हम लोगों ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव कंसिडर करेंगे, तो यह हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू। अब इनिशियल मोमेंटम हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं, वाई डायरेक्शन में निकालते हैं, तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, या एक्स एक्सिस के में ही जा रहा था बॉल, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम में जीरो, और फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो अब हम एक्स कंपोनेंट ऑफ इंपल्स निकालते हैं, तो इंपल्स निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, फाइनल सॉरी चेंज इन मोमेंटम को कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस एम यू है, माइनस एम यू, तो यहाँ माइनस एम यू रख दिए, और माइनस और इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू है, तो माइनस एम यू हो गया, तो ये हो गया माइनस टू एम यू। और एक्स कंपोनेंट यानी एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है वो हो गया माइनस टू एम यू, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में कोई इंपल्स है ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में जीरो हो गया इंपल्स। तो यहां पर हम लोगों ने इंपल्स निकाल लिया, तो देखिए जो बॉल है, बॉल पर वाल ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, जो इम्पल्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा, तो वाल ने बॉल पर फोर्स लगाया निगेटिव एक्स एक्सिस में लगाया, यानी इस डायरेक्शन में वाल ने फोर्स लगाया, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जो बॉल है वह वाल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो बॉल है वॉल पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब हम सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या है, जो बॉल को फेंका गया वह स्ट्रेट लाइन में नहीं फेंका गया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं फेंका गया, इसे कुछ एंगल बनाकर फेंका गया है, और यह एंगल है 30 डिग्री है नॉर्मल से, ये जो वॉल है इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और इसे 30 डिग्री एंगल बनाकर बॉल को फेंका गया, तो टकराने के बाद यह वापस 30 डिग्री एंगल पर वापस आ रहा है बॉल, तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा, यह 30 डिग्री होगा। तो हम अगर इस केस में जब इनिशियल हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो देखिए मास तो सेम है एम है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखिए यह एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी ये जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा। तो हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक में पढ़ा था कि हम किसी भी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी को हम उसको दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं, तो एक एक्स एक्सिस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिखेंगे और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो पी एक्स इनिशियल हो जाएगा एम यू कॉस 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, तो यह हो जाएगा एम यू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, यू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा यू कॉस 30 डिग्री, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, पी वाई इनिशियल माइनस एम यू साइन 30 डिग्री, माइनस यहाँ हो गया क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के ऑपोजिट में है, वाई डायरेक्शन को हम लोगों ने अपवर्ड में लिया है तो डाउनवर्ड माइनस हो जाएगा, और एम यू साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा यू साइन 30 डिग्री होगा, ये जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वह हो जाएगा माइनस यू साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया। और हम जो
टकराने के बाद जो बॉल वापस आया उसको भी हम दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं, या ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका पी फाइनल, पी एक्स फाइनल फाइनल हो जाएगा माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री। यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है बॉल, तो इसको हम लोगों ने माइनस लिया। और यहाँ पर यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पी वाई फाइनल, यानी जो कंपोनेंट है इम्पल्स जो फाइनल कंपोनेंट है वह हो जाएगा वाई एक्सिस में माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा, तो अगर हम इम्पल्स निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, तो पहले हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वो निकाल लेते हैं। तो इनिशियल है एम यू कॉस 30 डिग्री और फाइनल है माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री। तो पहले फाइनल लेंगे तो एम माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम यू कॉस 30 डिग्री। उसी तरह हम अगर वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं इंपल्स का, तो ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन में फाइनल कितना है माइनस एम यू साइन 30 डिग्री, माइनस एम यू साइन 30 डिग्री माइनस, और इनिशियल कितना है, इनिशियल है माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। तो यह माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट हो जाएगा यह माइनस है और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जीरो, यानी वाई कंपोनेंट इंपल्स का क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वाई डायरेक्शन में यानी फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इंपल्स है, तो सिर्फ जो फोर्स लगेगा वाल ने जो बॉल पर फोर्स लगाया वह सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगाया, और वह भी ऑपोजिट एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में जो इंपल्स जीरो हो जा रहा है इसके कारण वह फोर्स भी जीरो हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल इन ए एंड बी इज, अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा था रेशियो निकालना है, जो फर्स्ट पार्ट में जो इंपल्स था उसका और सेकेंड पार्ट में जो इंपल्स है उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में इंपल्स था माइनस टू एम यू और उसको डिवाइड कर देंगे माइनस टू एम यू कॉस 30 डिग्री, तो ये रेशियो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं कि जो वाल ने जो फोर्स लगाया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगाया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बॉल यहां से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, फिर भी जो फोर्स है वाल ने जो फोर्स लगाया बॉल पर एक्स एक्सिस के ऑपोजिट लगाया, तो बॉल ने न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जो बॉल जो फोर्स लगाएगा वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगाएगा। Thanks for watching.